ओके सो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, अब हम नेशनल इनकम मेथड तक पढ़ चुके थे, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, जो कि आपकी बुक में चैप्टर 4 है, क्लियर। अब हम थर्ड एंड द लास्ट मेथड पढ़ रहे हैं ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, जिसको हम बोलते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। क्या बोलते हैं? एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। एक्सपेंडिचर मेथड से हमारा निकलता है जीडीपी एट मार्केट प्राइस। एक्सपेंडिचर मेथड से क्या निकलता है? जीडीपी एट मार्केट प्राइस। और नेशनल इनकम क्या होता है? एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। तो जब हमारा एक्सपेंडिचर मेथड से जीडीपी एट मार्केट प्राइस आ जाए तो हमें इजिली पता है कि हमें इसको कैसे कन्वर्ट करना है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट में। ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए क्या करना है, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए क्या करना है, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाने के लिए क्या करना है। ये ऑलरेडी हम दो मेथड्स में पहले पढ़ चुके हैं, क्लियर। अब हम आते हैं एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है। सी, हमने पहला मेथड पढ़ा जिसको हमने बोला वैल्यू एडेड मेथड, ठीक है। इसमें हमने पढ़ा कि हम किसी इंटरमीडिएट गुड में कितना वैल्यू ऐड करते हैं टू मेक इट अ फाइनल गुड, ठीक है। बेसिकली हमने इसमें क्या किया, इस मेथड में सारा वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स को ऐड किया, ठीक है। इसके थ्रू हमने नेशनल इनकम निकाली। दूसरी चीज हमने क्या किया, इनकम मेथड लगाया। इनकम मेथड का मतलब क्या था कि हमारे इकोनॉमी में जितने भी रेसिडेंट्स हैं, ठीक है, उन सब की फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम याद है ना, दो चीजें बताई थी, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर। कंज्यूमर के पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, वो फैक्टर सर्विस देता है प्रोड्यूसर को, बदले में फैक्टर इनकम मिलती है, वो फैक्टर इनकम कहलाती है, ठीक है। इनकम मेथड में हमने सारी फैक्टर इनकम को एड कर दिया था, क्लियर। अब थर्ड चीज हमारी क्या हो गई, इनकम मेथड हो गया जिसमें हमने फैक्टर इनकम को ऐड कर दिया था। अब आते हैं लास्ट, दैट इज एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। मतलब नाम से ही पता लग रहा है कि कोई भी कंज्यूमर हो, प्रोड्यूसर हो, वो कितना एक्सपेंस कर रहा है इकोनॉमी में, कितना खर्चा कर रहा है, उसके थ्रू हम नेशनल इनकम निकालेंगे, ठीक है। उसके थ्रू हम इनकम नेशनल इनकम निकालेंगे। अब देखो ये तीनों चीजें ध्यान से देखो, कितना वैल्यू ऑफ फाइनल गुड हो रहा है, ये भी इकोनॉमी में आ रहा है, वैल्यू है ना, फाइनल गुड का बिक रहा है, जो फाइनल गुड उसकी वैल्यू वो भी हम इंक्लूड करेंगे, फैक्टर इनकम भी इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तभी तो हमें पूरे नेशन की इनकम निकालनी है। फिर एक्सपेंडिचर मेथड से हम एक्सपेंसेस इंक्लूड कर रहे हैं, क्यों? मैं अगर खर्चा कर रही हूं तो मैं खर्चा कर रही हूं तो वो किसी ना किसी की तो इनकम है ना, तो ऐसे करके मेरा खर्चा, फॉर एग्जाम्पल, अगर वो फैक्टर इनकम में इंक्लूड ना हुआ हो, ठीक है। इसीलिए हम हर मेथड से निकाल के नेशनल इनकम निकालते हैं, ठीक है। हर कंट्री में तीनों मेथड्स फॉलो नहीं होते, ठीक है, कोई भी एक मेथड फॉलो होता है, क्लियर। ओके, नाउ अब आते हैं एक्सपेंडिचर मेथड पे। एक्सपेंडिचर मेथड कैसे निकालते हैं? सबसे पहले होता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। मतलब हम कंज्यूमर्स अपने जो भी कंजम्पशन के लिए खर्चा कर रहे हैं, ये हमारा प्राइवेट खर्चा है, ठीक है। हम किसी के कोई सोशल वेलफेयर नहीं कर रहे, अपने लिए खर्चा कर रहे हैं, ठीक है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, वो कौन सा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्राइवेट फाइनल, खुद वाला, जो कंज्यूमर्स खुद पे करते हैं। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अच्छा, अब ये मैम आपने तो बताया था कि गवर्नमेंट की कोई भी चीज हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं, तो हमने गवर्नमेंट के कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्यों इंक्लूड किया? वो इसलिए इंक्लूड किया क्योंकि ये जो फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है ना गवर्नमेंट का, ये गवर्नमेंट किसके ऊपर कर रही है? ये गवर्नमेंट कर रही है पब्लिक के ऊपर, ठीक है। स्कूल्स बनाना, रोड्स बनाना, डैम्स बनाना, वो सारे खर्चे गवर्नमेंट किसके लिए कर रही है? पब्लिक के लिए कर रही है, इसीलिए हम इसको इंक्लूड कर रहे हैं। गवर्नमेंट का खर्चा इंक्लूड नहीं होगा, गवर्नमेंट की इनकम इंक्लूड नहीं होगी, लेकिन अगर गवर्नमेंट पब्लिक के लिए कर रही है तो वो हम इंक्लूड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा होता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। ये कौन करता है? ये हमारा करते हैं, सॉरी
प्रोड्यूसर्स, इन्वेस्टमेंट कौन करता है? प्रोड्यूसर करते हैं ना, कैपिटल प्रोड्यूसर किस पे करेंगे? मशीन्स लेकर आएंगे, जमीन पे करेंगे, तो ये इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कौन करेगा? प्रोड्यूसर। ये कौन करेगा? कंज्यूमर, ठीक है। ये कौन कर रहा है? गवर्नमेंट। लास्ट है हमारा नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स कैसे निकलता है? एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, ठीक है। ये हमारा नेट एक्सपोर्ट होता है। नेट का मैंने बहुत पहले मतलब बताया था, एक्चुअल। अगर मैं बात करूं तो नेट का मतलब क्या होता है? एक्चुअल। और ग्रॉस का मतलब मैंने एक चीज बताई थी, इन सिंपल टर्म्स टोटल, ठीक है। तो एक्चुअल एक्सपोर्ट कितना हुआ हमें कैसे पता चलेगा? जितना एक्सपोर्ट हुआ है इसमें से माइनस कर देंगे इम्पोर्ट, तो वो हमें पता लग जाएगा कि एक्चुअली में हमारा कितना बेनिफिट हो रहा है, कितना, ठीक है, कितना बेनिफिट हो रहा है। एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना हम यहाँ से, ठीक है, तो कितना एक्चुअली में एक्सपोर्ट हुआ है, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट करने के बाद। क्लियर? ये चीज हो गई हमारे नेट एक्सपोर्ट। अब अगर आपको याद हो तो मैंने स्टार्टिंग में आपको चार सेक्टर्स बताए थे इकोनॉमी के। हम अभी तक दो ही सेक्टर्स के बारे में पढ़ते आए हैं, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर। स्टार्टिंग में मैंने बोला था हमारी इकोनॉमी में चार सेक्टर्स होते हैं, कंज्यूमर, गवर्नमेंट, प्रोड्यूसर और एक्सटर्नल। ये चारों सेक्टर्स यहाँ पे इंक्लूड हो रहे हैं, देखो। क्लियर हुआ? ठीक है। अब इसमें एक चीज देखना, जो आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होता है ना, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इसमें मेनली दिक्कत आती है क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में। कैसे? देखो, अगर प्रोड्यूसर, ये प्रोड्यूसर सेक्टर करता है ये तो हमें पता है। देखो, अगर प्रोड्यूसर कुछ भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है ना, तो उससे क्या होता है? कैपिटल फॉर्म होता है। क्या होता है? कैपिटल फॉर्मेशन होता है। कैपिटल फॉर्मेशन मतलब कैसे? मशीनरी फॉर्म हो रही है, ठीक है, एक्सेट्रा, प्लांट्स एंड मशीनरीज, बिल्डिंग्स, इन सब में इन्वेस्टमेंट करता है, ठीक है। तो इन सब में इन्वेस्टमेंट करेगा तो कैपिटल फॉर्मेशन तो होगा ना, एक कैपिटल फॉर्म होगा प्रोड्यूसर का, ठीक है। अब कैपिटल मतलब जो उसके यूज में आए, ठीक है, जमा पूंजी तरीके से कह लीजिए, जो उसके यूज में आ रही है, ठीक है। अब ये कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है उसका। अच्छा, अब इसमें क्या दिक्कत आती है? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दो चीजों से मिलकर बनता है। पहला, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस इन्वेंट्री कैपिटल फॉर्मेशन। देखो, कैपिटल फॉर्मेशन दो चीजों से हो सकता है, या तो हमारा फिक्स एसेट पे हो, फिक्स कैपिटल, जैसे मैंने मशीनरी का एग्जांपल दिया है ना। इन्वेंट्री का मतलब अगर याद हो तो इन्वेस्टमेंट, मैंने जब चैप्टर पढ़ाया था सेकेंड चैप्टर, तो मैंने इन्वेस्टमेंट बताया था दो तरीके के होते हैं, एक फिक्स एसेट्स में होता है, एक इन्वेंट्री में होता है। इन्वेंट्री का क्या बताया था मैंने? अगर फॉर एग्जाम्पल प्रोड्यूसर ने रॉ मटेरियल खरीदा, प्रोड्यूसर ने क्या खरीदा? रॉ मटेरियल खरीद के उसने अपने स्टॉक में रख लिया, तो क्या इसमें उसने इन्वेस्टमेंट नहीं किया? पैसा तो लगाया है ना उसमें, पैसा तो लगाया है ना रॉ मटेरियल में, इन्वेस्टमेंट तो कर रहा है ना, ये इन्वेस्टमेंट आगे जाके उसको प्रॉफिट तो देगा ना। तो ये कौन सा इन्वेस्टमेंट हुआ हमारा? इन्वेंट्री। जो हमारा फिक्स कैपिटल में इन्वेस्टमेंट नहीं होता वो हमारा क्या कहलाता है? इन्वेंट्री। फिक्स कैपिटल मतलब जो फिक्स एसेट्स होते हैं, ठीक है, जो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए चलते हैं, ठीक है, ये हमारा क्या कहलाता है? फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। और जो फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होता उसको हम क्या बोलते हैं? इन्वेंट्री। इन्वेंट्री मतलब रॉ मटेरियल, स्टॉक में मेंटेन करी हुई चीजें। क्लियर? अब ये हो गया, इन दोनों को प्लस करके हमारा बनता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अब ध्यान से देखना, कभी कभी क्वेश्चन में क्या गिवन होता है, आपको क्वेश्चन में ऐसे दे देते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक, अच्छा इन दोनों को ऐड करके ये बनता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। क्योंकि हम ग्रॉस का मतलब मैंने क्या बताया? ग्रॉस का मतलब क्या होता है? टोटल। हम टोटल कैपिटल फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, प्रोड्यूसर का टोटल डोमेस्टिक कितना, जितना कैपिटल फॉर्मेशन हुआ है। और टोटल हमें कैसे पता चलेगा? जितना फिक्स में उसने किया है और जितना प्रोड्यूसर ने इन्वेंट्री में किया है, दोनों को हम ऐड कर देंगे, हमारे पास टोटल डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आ जाएगा। क्लियर हो रही है बात? ठीक है। अब कभी कभी क्वेश्चन में आपको ऐसे दे देते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, और बच्चे सीधा उठा के इसी को यहां पर ऐड कर देते हैं, ठीक है, लेकिन वो गलत हो जाता है। रीजन बिहाइंड दिस, क्योंकि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टमेंट तो वो दोनों चीजों में कर रहे हैं ना, इन्वेंट्री में भी और फिक्स कैपिटल में भी। तो आपने सिर्फ फिक्स कैपिटल ऐड किया है, इन्वेंट्री तो ऐड ही नहीं किया आपने, ठीक है। तो जब भी आपको क्वेश्चन में ऐसे गिवन हो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड
कैपिटल फॉर्मेशन, तो आप क्या करेंगे उसमें आप ऐड कर देंगे चेंज इन स्टॉक। क्यों ऐड करेंगे? क्योंकि इन्वेंट्री आपका जो है, जो स्टॉक है वो आपका पता होना चाहिए कि आपका प्रोड्यूसर ने स्टॉक में कितना इन्वेस्टमेंट किया, तभी तो वो ऐड होगा और तभी ये हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बनेगा, मतलब टोटल कैपिटल फॉर्मेशन बनेगा जो कि हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। क्लियर हुआ? ठीक है, अब देखो चेंज इन स्टॉक क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है प्रोड्यूसर के पास पिछले साल का कुछ स्टॉक पड़ा हो जो कि हमें इंक्लूड नहीं करना, क्योंकि हम नेशनल इनकम एक अकाउंटिंग ईयर का, मतलब करंट अकाउंटिंग ईयर का निकाल रहे हैं। ठीक है, हमें पिछले से नहीं मतलब, वो पिछला वाला ऐड हो चुका है उसमें। क्लियर हुआ? ठीक है, इसलिए हम चेंज इन स्टॉक को ऐड करते हैं। चेंज इन स्टॉक को ऐड कर लिया तो हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। अच्छा, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की जगह ये भी गिवन हो सकता है। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करके ही ये बनता है, तो कभी कभी क्वेश्चन में अगर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की जगह ये दे दिया जाए तो कंफ्यूज मत होना, इसी का दूसरा नाम है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का। ठीक है, ओके, नाउ और कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, प्लस हम जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे विल गेट टू नो अबाउट दिस। ठीक है, बस एक यही चीजें हैं, तो थोड़ा ये जो एरिया है थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन होती है, वो नहीं होनी चाहिए। अगर आप इसको एक जगह नोट कर लेंगे कि ये और ये ऐड होकर आपका ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बनता है। ठीक है, जिसको हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं, जो प्रोड्यूसर करता है। ठीक है, और अगर आपको क्वेश्चन में ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है तो आप प्लस चेंज इन स्टॉक कर देंगे। एक और चीज आती है, कभी कभी आपको क्वेश्चन में क्या गिवन होता है, आपको ऐसे गिवन होता है, कहते हो नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ऐसे गिवन होता है क्वेश्चन में। अच्छा, अब इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमारे फॉर्मूले में नेट की जगह क्या है, ग्रॉस है, नेट की जगह क्या है, ग्रॉस है। कोई बात नहीं, हमें नेट से ग्रॉस में जाने के लिए हमें पता है क्या करना है, डेप्रिसिएशन नाम का एक चीज होती है, डेप्रिसिएशन जो हमने पढ़ी है, बस हमें उसको अप्लाई करना है और ये हमारे पास होगा तो हम इजिली नेट को ग्रॉस में चेंज कर पाएंगे, हमारे पास ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आ जाएगा और हम फिर क्या करेंगे, उसको एक्सपेंडिचर मेथड के फॉर्मूले में पुट कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट जो कि मिलता है एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट से, ये आपका एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला है। ये चारों चीजें ऐड हो जाएंगी और आपका इन चारों चीजों को ऐड करके जो निकलेगा दैट इज जीडीपी एट मार्केट प्राइस। क्लियर? फिर आपको कन्वर्ट करना, अगर आपको नेशनल इनकम निकालने को बोला जाए तो आपको जीडीपी एट मार्केट प्राइस से कहां पे जाना है, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट से। क्लियर हुआ?